जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों कोरोना वायरस ने हम सब को भयभीत करके रखा है कितने कष्ट हम भय के कारण अपने आप ही पाल लेते हैं आप देखें आप सारा दिन पॉजिटिव न्यूज सुनते हो कहीं सत्संग से उठ करके आते हो अपने गुरु के चरणों से आते हो किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को मिलके आते हो किसी अच्छे व्यक्ति को मिलके आते हो तो आपकी स्टेट पॉजिटिव हो जाती है और जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते हैं तैसे तैसे पॉजिटिव होने लगता है जैसे आप नेगेटिव विचारों को सुनते हो नेगेटिव लोगों को मिलते हो नेगेटिव न्यूज सुनते हो तो मन का भय मन का डर बढ़ने लगता है बड़े कष्ट से कहना पड़ता है आजकल जितने लोगों से बात हो रही है वो कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि सीधा ही मृत्यु को देख रहे हैं हमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जो मेडिकल साइंस कह रही है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उसको कहीं भी उसके विपरीत नहीं जाना है दूसरी बात आपको नेगेटिव नहीं सोचना है आप सोचें कि कोरोना के कारण इतने लोग मर गए इतने लोगों की डेथ हो गई इतने लोगों की गिनती और वर्ल्ड में बढ़ गई डे बाय डे घंटों के हिसाब से बढ़ रही है पर दोस्तों ऐसा भी तो सोचो उनमें कितने ठीक हो रहे हैं उनकी बात भी हमें करनी चाहिए कितने लोग हॉस्पिटल से जा करके वापस भी आए हैं ठीक भी हुए हैं गीता में एक बहुत बड़ी बात कही है मन ही करता मन ही धरता मन ही सुखों को देने वाला मन ही दुखों को देने वाला मन ही मोक्ष को देने वाला मन सबसे ताकतवर है सबसे शक्तिशाली है जिस देश में जैसे समूह की बात होती है वैसे मन उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है पर आज से अगर आप कुछ कर सकते हैं तो पॉजिटिव करें सबको अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को अपने समाज को अपने इर्द गिर्द को कि कोरोना से बचा जा सकता है और जैसे जैसे आप मेडिकली फॉलो करते हो तैसे तैसे आप स्पिरिचुअल को भी फॉलो करो स्पिरिचुअल में साइंस भी कहती है स्पिरिचुअल भी कहता है कि हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड कलेक्टिव माइंड और कॉस्मिक माइंड ये चार प्रकार का मन है सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एवरीथिंग पॉसिबल और जो कलेक्टिव माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड का कहना मान के उसका ऑर्डर लेके आपके लिए पूरा करता है और कॉस्मिक माइंड तो ऐसा है कि आप और भगवान एक हो गए आप और ईश्वर एक हो गए आपकी स्पिरिचुअल शक्तियां और आप एक हो गए सबसे जरूरी है कि कॉन्शियस माइंड के लिए जो जो सॉल्यूशन है जो समाधान है उनकी बात करें उनके बारे में विचार करें कितने कितने लोग ठीक हुए हैं उनकी चर्चा करें इसका आयुर्वेदिक में एलोपैथी में होम्योपैथी में क्या क्या इलाज है उनकी बात करें परहेज से कैसे बचा जा सकता है उसकी बात करें जो ठीक हुए हैं लोग उनकी बात करें उसके पश्चात दोस्तों आप अपने गुरु मंत्र का अजप्पा जाप करें जितना भी कर सकते हो नहीं तो जैसे पीछे भी बताया है क्लीम काली कायन में जहाँ ओम होम जूम से हीलिंग का जो मंत्र है उसका जाप करें और जाप करते 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 अपनी जैसे आपकी स्टेट चेंज हो जाए तो फिर अपने आज्ञा चक्र को ऑर्डर दें कि कोरोना को ठीक होना ही पड़ेगा जो आपके बीमार हैं जिनको आप जानते हो उनके लिए प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और एक ही लाइन में मैं तंत्र की बात कहता हूं
के मन को दोस्तों अपना दास बनाए, मन को अपना सेवक बनाए। जैसे कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप हम गाड़ी का दोष नहीं निकालते, कहते ड्राइवर गाड़ी अच्छी नहीं चला रहा होगा। घोड़सवार व्यक्ति घोड़े को चला रहा है, अगर घोड़ा संभल नहीं पाता तो हम घोड़े के सवार की बात करेंगे कि इसकी गलती है। हाथी पे सवार व्यक्ति गलत होता है तो महावत की बात करेंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि प्रॉब्लम नहीं है, पर इस प्रॉब्लम को हमने मानसिक रूप से और ज्यादा बढ़ा दिया, इसकी बातें करते करते और ज्यादा बढ़ा दिया। तो आप अपने अपने मन को ऑर्डर दो कि इसको यहीं समाप्त करना है, इसको यहीं खत्म करना है। और जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव रेजेज बढ़ती हैं, आपका इम्यून सिस्टम और पावरफुल होने लगता है, आपके अच्छे सेल्स और बनने लगते हैं, आप शक्तिशाली होने लगते हो। और मन को अपने आज्ञा चक्र को ऑर्डर दो कि तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। इस प्रयोग को दोस्तों 10 दिन तक करके देखो, आप दूसरे व्यक्ति होंगे। इसके अलग अलग और प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं। माँ भगवती करे आप सब स्वस्थ हो, सब अच्छे हों, सब चंगे हों, सब खुश हों। माँ बहुत बहुत कृपा करे। जय माता दी।